देखा आपने, कल से इसका यही हाल है। पूरे घर में ऐसी रेस्टलेस घूम रही है। इसके हाथ देखिए कैसे शिवर कर रहे हैं। ये सब देख के मैं बहुत डर गया था, तो मैं फटाफट मोबाइल स्टोर पे गया और मैंने दो फोन चुरा भी लिए थे। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि अगर पापा मम्मी को पता चलेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो उन्हें कैसा लगेगा। तो मैंने वो फ़ोन फटाफट वहीं पर वापस रख दिए और मैं चला आया। मैंने कोई चोरी नहीं की। हमने कहा था ना, क्या कहा था, कब कहा था, किससे कहा था, कौन सी मूक भाषा है जो हमारे आजकल समझ में नहीं आ रहे? और क्या वरदान मिल गया क्या आपको पुष्पा जी, पहले से आप सब कहने लगती हैं? हाँ, इसे अपमान कहते हैं। लगा ना आपको या नहीं लगा? और ट्राई करें आपको लगाने का कि इसे अपमान कहते हैं। ड्यूटी खत्म करने के बाद आप घर चलिए, फिर दिखाते हैं आपको आपने किसके साथ पंगा लिया है। एक सास जब प्रतिशोध लेने पर आती है ना, तो कैसा प्रलय मचाती है, दिखाते हैं आपको। हो गया, अब काम कर ले हम, बताइए। आरुषि, ये ले फोन। नहीं चाहिए मुझे, कोई फोन नहीं चाहिए, मुझे मेरा फोन चाहिए, मेरा डेटा, मेरी पिक्स, मेरी वीडियो सब उसी में। ये तेरा ही फोन है, देखना, देख, हाँ तेरा फोन। अरे मेरा फोन मुझे मिल गया। बताइए, एक दिन में ये हालत है बच्चों की बिना फोन की, इनको कैसे सुधारेंगे? ये भी आप ही बता दीजिए ना, नहीं आजकल तो आप सब पहले से ही बता देती हैं। समस्या का समाधान निकालिए, घर चलिए। हेलो लखनऊ, कायदे में रहिए फायदे में रहिए में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं। एडिक्शन, लत, आदत। किसी भी चीज की जब जरूरत से ज्यादा आदत पड़ जाए तो वो लत हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस एडिक्शन के बारे में जिसकी चपेट में फिलहाल पूरी की पूरी दुनिया है, मोबाइल फोन। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। पता है, एक वक्त था जब मोबाइल फोन सिर्फ हमारी जरूरत थी, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कब ये जरूरत हमारी आदत बन गई हमें पता ही नहीं चला, और कब ये आदत हमारी जिंदगी पर, हमारे वजूद पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे एग्जिस्टेंस पर हावी हो गई, हम में से किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ। फोन में एक दूसरे का नंबर तो जरूर है लेकिन बात नहीं करते। अपनों के करीब अब भी हैं लेकिन उनके साथ नहीं। और एक कमाल की बात बताएं, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मोबाइल फोन से एडिक्टेड है। हाँ हाँ, सच में कोई नहीं मानेगा। हर किसी को लगता है कि ये तो चलता है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन हम जानते हैं कि आप सब, इनफैक्ट हम भी कितना गलत कर रहे हैं। आप माने या ना माने, हम माने या ना माने, ये पूरी दुनिया माने या ना माने, मोबाइल फोन एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे बहुत जल्द सुधारना होगा, संभालना होगा, वरना हम सब इसमें डूब जाएंगे। और इसमें हम आप सबकी मदद करना चाहते हैं। तो मदद कैसे की जाए? हमने एक नया ग्रुप शुरू किया है और ग्रुप का नाम है एक नई सुबह। हम चाहते हैं कि आप आए, हमसे जुड़े और हम इस मोबाइल एडिक्शन को दूर करने में आपकी मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे। एक बार मदद मांग कर तो देखिए। हम तहे दिल से आप सबकी मदद करना चाहते हैं इस मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलने में। सो हेल्प अस टू हेल्प यू। और तब तक के लिए सुनिए अगला ये गाना। मैडम सर, हमारे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। संतू का रिसर्च कहता है और आप खुद ये मानकर आई हैं कि जिनको लत की आदत होती है वो लोग ये बात कभी नहीं मानते कि उनको लत का आदत है। अब आप क्या चाहती हैं, उनको मदद का लॉलीपॉप दिखाएं कि आ जाओ और वो मान जाएंगे ना? मतलब हमारे भेजे में नहीं घुस रहा ये बात। मैडम सर,
मैडम सर हमको भी लगता है करिश्मा मैडम ना बिल्कुल सही बोल रही है ना, जो इंसान मानेगा ही नहीं कि उसको मदद का जरूरत है, मदद मांगेगा ही क्यों? अब इसी को देख लीजिए, ये मानता ही नहीं इसको लतखोरी का लत है। लतखोरी का क्या बे? चोरी का लत मैडम सर, चोरी का लत। मैं मानता ही नहीं था कि मुझे चोरी की लत लगी है। देखो बिना चोरी के मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा ऐसे मुझे लगता था, लेकिन करिश्मा मैडम ने तोड़ तोड़ के समझाया कि तुम्हें चोरी की लत लगी है, फिर फोड़ के समझाया कि ये चोरी की लत गलत है, तब जाके छूटी ये चोरी की लत। ओह माय गॉड। मैडम सर, करिश्मा मैडम सही बोल रही है, ऐसे तो कोई भी हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा और आपका एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाएगा। माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन? हाँ पुष्पा जी, लेकिन कोई आएगा तब हम उन्हें बताएंगे ना कि ज्यादा फोन यूज करने से माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, वो करिश्मा मैडम के बारे में सोच रहे थे ना कि उनकी माइग्रेन की बीमारी बढ़ रही है। हाँ वैसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर बढ़े तो आके दिखा देना, तो लेके जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास। अरे तो पुष्पा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, चलिए हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, आप कैसे जा सकती हैं? आप नहीं जा सकती। क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि डॉक्टर से अखाड़े में मिलना है ना। क्या? हाँ ये जो हमारी फैमिली डॉक्टर है ना, फैमिली डॉक्टर ही कहते हैं ना, फैमिली डॉक्टर जो है ना वो बहुत बार अखाड़े में मिलने के लिए बुलाते हैं पेशेंट्स को, तो इसीलिए वहाँ जाना है। और आप वहाँ कैसे जा सकती हैं, आपको तो अखाड़े से चिढ़ है ना, वो इसीलिए वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, करिश्मा सिंह के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बता दीजिए कब जाना है, हम पहुँच जाएंगे। जी जी, शाम को 6 बजे मिलेंगे डॉक्टर। ठीक है तो फिर साथ में ही चलेंगे। जी माइग्रेन मैडम सर को देखो ना अचानक कैसे बढ़ गया। वैसे एक डॉक्टर के साथ बात हो गई है तो मैडम सर को लेके जाना है उससे मिलने। हाँ तो बताइए कहाँ जाना है, हम जाते हैं लेकर। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकती। नहीं जा सकते का क्या मतलब है, काहे हम काहे नहीं जा सकते? अजीब डॉक्टर है, शायरी का शौकीन, मिलने के लिए मुशायरे में बुलाया है उसने। मुशायरा? हाँ, और आपको तो चिढ़ है ना ये मुशायरा वुशायरों से, शायरी कहाँ पल्ले पड़ती है आपके, फिर वो जज्बातों के साथ, मतलब जज्बात के बारे में बात करेगा, फिर वो आपको, छोड़िए ना आप मत ही जाइए। नहीं नहीं हम जाएंगे, हम हसीना मैडम के लिए पाताल में भी जा सकते हैं, मुशायरा क्या चीज़ है। बताइए कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है? पक्का ना, बाद में हमें मत कोसना। हम काहे कोसेंगे उनको, जाना है हमको, चलिए चलिए। अरे अरे अभी कहाँ जा रही है, शाम को 6 बजे। पुष्पा जी चलिए। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी जगह जाने के लिए तैयार हो गए जहां जाने से आपको चिढ़ मचती है, जहां आप जिंदगी में कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर संजय और अरुषि क्यों नहीं? क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई एडिक्ट नहीं हूँ, प्लीज। हाँ तुम नहीं हो, मगर तुम्हारी बहन अरुषि वो तो है। संजय जी, जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था तुम्हारा भाई, एक दिन उसके हाथ में फोन नहीं था, तो समझ रहे हमारी बात को, उसका दिमाग का चूरन हो गया है, पूरा लाइफ चिरमिरा गया उसका एक मोबाइल की वजह से, और वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मोबाइल जो है उसका भविष्य है, उसका दिमाग सब खराब कर रहा है। उसको ये समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैडम सर ने मोबाइल सम्मेलन रखा है और वो तुम्हारी बात कभी नहीं डालेगा, तुम ही उसको समझा सकती हो, उसको वहां लेकर आओ, उसका भविष्य सही करो। तुम भाई हो ना उसके, वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। अपनी बहन को लेकर मैडम सर ये जो प्रयोग कर रही ना, वहां उसे लेकर आओ। जैन मैडम सर, जी जी हम अभी वहीं हैं, जी बात कराते हैं।
मैम हम कोई फोन के एडिक्ट नहीं है, हम बस फोन को लेके थोड़ा सा क्रेजी है और कुछ नहीं है मैम। अच्छा तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तुम दोनों यहाँ आओगे ना तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि मोबाइल फोन के लिए जो तुम्हारा पैशन है वो सिर्फ क्रेज के लेवल तक का है या फिर एडिक्शन बन चुका है। ठीक है, कोशिश करके देख लो, अगर तुम सही हुए तो तुमसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी। ओके मैम। यार हम सोच रहे हैं कि एक मिनट के लिए मोबाइल हाथ से चला जाता है तो उसे हलक से जान चली जाती है। हाँ मैडम, सर मोबाइल की आदत छुड़वाने की बात कर रही हूँ, यार इतने इम्पोर्टेंट कॉल आते हैं हमको, क्या होगा उसका? तुमको इम्पोर्टेंट कॉल? हाँ तुमको कॉल कैसे आते मालूम? ये देखो ऐसे। इकबाल उठा, फोन उठा, फोन उठा। इकबाल टिक्का बिरयानी कॉर्नर। अरे कैसी तुम्हारी बिरयानी, न उसमें चिकन है न टिक्का है न कॉर्नर है, मन करता है ये मुंह पे थूक रहा है। चेयर देखो कितनी है। एक्सक्यूज मी, यस हसीना मैम। मैडम सर कम लेटर, प्रेजेंट। हाय, मीट मैडम सर। मिलिए। संजय और आरुषि। यस मैम। यस मैम। हसीना मैम। जी हम ही एसएचओ हसीना मलिक, हमें बहुत खुशी की आप दोनों आए। आइए आइए। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुला लीजिए, शुरू करते हैं। ओके तो सब लोग सेटल हो गए, गुड। हम हैं आज के सेशन की इंस्ट्रक्टर एसएचओ हसीना मलिक और इस काम में आज हमारा सहयोग करेंगी संतोष शर्मा उर्फ हमारी संतु जी। अरे बाबू। सॉरी मैडम सर, सॉरी सॉरी। हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। मैम आई एम सॉरी, ये सब एक घंटे में तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 12 बजे के बाद हमें हमारे खास फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, एक घंटे में आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। ओके सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप में से कोई भी सच में वाकई में मोबाइल एडिक्ट है भी या नहीं, तभी तो इस सेशन का मतलब है, तभी तो हम आप सबकी मदद कर पाएंगे। ये जानने के लिए हम आपसे कुछ रूटीन सवाल करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल, और आपके जवाब पर डिसाइड होगा कि आप मोबाइल एडिक्ट है या नहीं। क्लियर? सबसे पहले शुरू करते हैं संजय और आरुषि से। ये बताइए कि आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट करते वक्त अपने माँ बाप से क्या बातें की थी? यूजली जो होती है हमारे स्टडीज के बारे में। ओके नो आई थिंक पापा वाज टॉकिंग अबाउट सम हॉलीडे, कहीं बाहर जाने की बात कर रहे थे वो शायद से। ठीक है पता लगा लेते हैं सच क्या है। पिताजी आइए। नहीं मैडम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, दरअसल आज इन दोनों ने नाश्ता किया ही नहीं, ये तो मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड करने में बिजी थे, हमारी तो इनसे बात भी नहीं हो पाई। यस मैम याद आया, एक्चुअली ना संजय एक न्यू गेम डाउनलोड कर रहा था, हम वही खेल रहे थे। मैम ये ना भुलक्कड़ बन गई है और साथ में मुझे भी बना रही है। आप दोनों ने आज सुबह नाश्ता किया भी था या नहीं, माता पिता से बात की थी या नहीं, ये तक आपको याद नहीं है? मैम ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन ये मोबाइल एडिक्शन है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। अभी हम आप सबको एक ऑनलाइन गेम की लिंक भेज रहे हैं, आप सब वो गेम डाउनलोड कीजिए और फिर होगा ऑनलाइन कंपटीशन। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सब सिर्फ टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं या फिर आप में से वाकई कोई चैंपियन है भी, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही गेमिंग चैंपियन को जानते हैं और उनका नाम है संतोष शर्मा। और संतु जी तालियां तालियां मारिए संतु जी। कैसे तुम प्रिंसिपल नीचे? कांस्टेबल संतोष शर्मा हमारी साइबर एक्सपर्ट। मैम आप अभी तक हमसे नहीं मिली ना, इसलिए। ओके तो ठीक है फिर हो जाए, आप सब एक दूसरे से ऑनलाइन कॉम्पीट करेंगे और करिश्मा सिंह आप सब पर नजर रखेंगी ये देखने के लिए कि सब ईमानदारी से खेल रहे हैं या नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। ठीक है समझ गए आप सब, जो जीतेगा वो चैंपियन। क्लियर? तो शुरू हो जाए, सबने गेम डाउनलोड कर लिया? हो गया डाउनलोड। मैं तो डर रही थी कि पता नहीं क्या कराएंगे आप, पर यहाँ तो गेम खिलवा रहे हैं, हम रोज करते। गेट सेट गो।
डाटा है। मैडम सर, मेरा डाटा खत्म हो गया, मुझे डाटा दो। एक मिनट, इधर आओ। बिल्ले, डाटा है आपके पास? ये डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, लिंक भेजा है। मैडम मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, डाटा खत्म हो गया था, अभी आया। मैडम आप आउट हो गए। खेलिए खेलिए संतु जी। मैडम आप भी आउट हो गए। करिश्मा सिंह कौन कौन बचा है? मैडम सर, बिल्ला, संतु और ये दोनों। हम संतु को देखते हैं, आप बिल्लू को देखिए। जी संतोष शर्मा, जीतना नहीं है। नहीं मैडम सर, मैं कभी नहीं हार सकती। नहीं नहीं मैडम। जी कांग्रेचुलेशंस, और हमारे इस गेम के विजेता हैं संजय और आरुषि। मैडम सर, आई विन। 300 लोगों को मार गिरा है मैंने। लेकिन गेम तो कार रेसिंग का था। आदमी कहाँ मार रहा है तुम? मोबाइल, करिश्मा मैडम का मोबाइल। इधर सेफ। एनीवेज, तो हमें ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आरुषि और संजय ने ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटों में जीत लिया है। 4.5 घंटे? जी हाँ, पिछले 4.5 घंटों से आप बिना कुछ खाए पिए लगातार ये गेम खेल रहे हैं। अनबिलीवेबल। नहीं नहीं, ऐसा होता है जब आप फोन में घुस जाते हैं ना तो दुनियादारी भूल जाते होता है ऐसा। तभी मैं सोचू कि क्यों मुझे बीच में बार बार भूख लग रही थी और अजीब सा फील हो रहा था। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग कितने बड़े मोबाइल एडिक्ट हैं। आप लोग तो मान ही नहीं रहे थे। आज का ये सेशन बस इस बात का एहसास कराने के लिए था। असली सेशन शुरू होगा कल से। वैसे आज का सेशन काफी अच्छा हुआ, नहीं? हमें लगता है इस बात से थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आएगा। मेरा तो मोबाइल ही बदल दिया, इनका मोबाइल। मैडम आप सही कह रहे हैं। मैम, सेशन के अंत तक मेरे बच्चों को ये रियलाइज हो चुका था कि ये मोबाइल की लत उनके लिए ठीक नहीं है। अभी देख लो, अपनी खास फ्रेंड का बर्थडे भूल गए वो। हाँ, हम मानते हैं कि शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन हमने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठा ही लिया। वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात में बेतकल्लुफ नहीं होते, ये दिल के मसले बड़े बातहजीब होते हैं। ओहो वाह। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे उनको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस एक रिक्वेस्ट है मैम, हमारे बच्चों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके खिलाफ आपके पास शिकायत लेके आए थे। मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए आपकी मदद मांगने आए। हमारे बच्चे बड़े संवेदनशील हैं, पता नहीं सच जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं तो अभी हसीना मैम से कह दूंगा कि हमें आपका एंटी मोबाइल एडिक्शन सेशन अटेंड नहीं करना है। हाँ, मैं भी। दिक्कत क्या है ना भाई साहब, आप जैसे और भी माता पिता है जो सोचते हैं कि उनके बच्चे फूल हैं, बहुत मासूम, बहुत भोले हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, वो अपने उम्र के साथ साथ ना उनका उनका दिमाग भी बढ़ता है, वो समझदार होते हैं, चंट होते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? वो मोम नहीं है जो धूप पड़ेंगे तो पिघल जाएंगे। बहुत सही समय पर आप आए हैं ये कंप्लेंट लेकर अपने बच्चों की। मैडम सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, अब आपके बच्चों का जो ये लत है वो छूट जाएगा। मैम वो मम्मी पापा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हालचाल पूछने आए थे। अरे पापा मम्मी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? हालचाल पूछने आए थे, वो भी यहाँ पुलिस स्टेशन में? किसका? मौसम का। हाँ, मौसम का। पापा क्या बोल रहे हैं आप, और आपको कब से मौसम की इतनी फिक्र होने लग गई? अमाओ भाई साहब, बस कीजिए झूठ बोलना, अपने बच्चों से कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप। करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, एक मिनट हमें बोलने दीजिए। आपको इनसे नहीं डरना चाहिए, इन बच्चों को आपसे डरना चाहिए। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? नहीं, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, आमने सामने बात हो जाएगा। हाँ, हमने इनको बुलवाया, हमने आपको इसलिए बुलवाया। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो जिसको जो किसी काम के नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? निठल्ले। अंग्रेजी में यूजलेस। यूजलेस हैं आप लोग।
जो सेशन मैडम सर रख रही है ना, इसको इसको अटेंड करना आपके बस का बात नहीं है। मैडम सर आप शक्लें तो देखिए इन लोगों की। देख हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था ना दो दिन में भाग खड़े होंगे ये लोग। अम्मा हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो जनरेशन है ना आज की, इनमें वो बात वो जिद ही नहीं है कि वो जो चैलेंज होता है ना वो जीत सके। मैडम सर देखिए ना कैसे हारे हुए, कैसे कमजोर खिलाड़ी हैं आपके मैडम सर। जीत गए हम ना, तुम यही कहने आए हो ना मैडम सर से कि मैडम सर हम इसके आगे जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे बस का बात नहीं है, हम फोन हमको बहुत अच्छा लगता है, यही कहने आया ना। अरे जल्दी बोलिए, हमारा बात सिद्ध हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए बोल दी। कुछ कहना है संजय आरुषि?